यप सर, हेलो। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। यस। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो आज हम लोग अपने उसी वाले सर्वाइवल वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं माइनक्राफ्ट जावा में। एंड यहाँ पर जो है मेरे पास इतने सारे कोबलस्टोन मैंने माइन करके रखे हैं, इसलिए से जो है मेरे पिकेक्स और ये सब कुछ टूट गया है। एक्सपी टूट चुकी है कोजा। मैंने जो है वुड भी माइन किया, तुम देख ही सकते हो मेरे इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर वुड है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश वाले टूल्स बना लिए हैं एंड इसको जो है अच्छे वाली जगह पर रख देता हूँ अपने इसको दूसरे स्लॉट में। एंड मैं काम करता हूँ, मैं वो भी ये सबल एक्स और नहीं एक्स तो मैंने बना लिया, सबल एंड वो एंड नई वाली शॉर्ट भी बना लेता हूँ, बिकॉज अपने पास थोड़ी ना माल की कमी है। माल मतलब वो वाला माल नहीं, ये पत्थर हो ये वो देखिए बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ तो मैं ये बता रहा था अपने पास बहुत सारी चीज़ें, तो काम करते बना लेते हैं नई वाले तलवारें और स्वॉर्ड। तो मैं इसका बल शटन को इसके अंदर रख देता हूँ एंड ये सारे मैंने रख दिया एंड इस वीड को भी इसके अंदर रख देता हूँ। आई थिंक ये मुझे चाहिए होगा। एंड यहाँ पर जो तुम लोग ट्री देख रहे हो, ये ट्री ना मैडम उस माउंटेन से लाए है, ठीक है। वहाँ पर जो माउंटेन दिख रहा है वहाँ पर शायद तुम्हें पता होगा कि वहाँ पर ये वाला ट्रीज मिलते हैं, तो मैंने ये काट के फिर यहाँ पर इसकी सैपलिंग जो लगा दी और ये उग भी चुका है ऑलरेडी। एंड अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो है अब वो एक तो मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। आज की वाले वीडियो में ना हम लोग एक अपने जो समुंदर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना समुंदर जो है उसके पास हम लोग जाके एंड वहाँ पर एक अच्छा वो क्या कहते हैं बोट रखने के लिए एक जगह बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखो ये पिछले वीडियो में हमने ये बनाया था और ये बहुत ही मस्त दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखो हमें ना यहाँ पर एक ये बनाना है बोट वाली जगह, बोट रखने के लिए जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बनाने वाले हैं ताकि क्योंकि जो है समुंदर नज़दीक है तो फिर हमें देर लगती है बहुत तैरने में, तो इसलिए यहाँ पर एक बोट रखने का स्टैंड बना देंगे। एंड यहाँ पर देखो मैंने ऊपर लीव भी लगा दिए इसके ऊपर। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं डर्ट लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पर फ्लैट कर दिया है। तो मैं जल्दी से अपना काम शुरू कर देता हूँ और सबसे पहले मुझे ये फेंसिस जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। एंड ये टूट जा ये टूट भी गया एंड अभी जो है मेरे को ये थोड़े से क्रॉप तोड़ने पड़ेंगे। एंड अभी जो है मुझे ये डर्ट भी तोड़नी पड़ेगी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ लेकिन मैं तोड़ दूँगा इससे अभी फटाफट होगा। तो मैं ये डर्ट को तोड़ के फिर यहाँ पर जो है मुझे ये वाली नॉर्मल वाली ग्रास जो है वो लगानी है। एंड इसको भी तोड़ दो, यहाँ पर इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। एंड अभी ना रात होने वाली तो मैं काम करता हूँ, जो कि सो के आता हूँ। ओके सो सुबह तो हो चुकी है एंड मुझे जो है यहाँ पर ये और भी लंबा करना है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं खेत को और भी एक्सटेंड करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे लंबाई करना पड़ेगा ये। एंड अभी जो है मुझे और भी बहुत कुछ सामान चाहिए तो मैं ले कर आता हूँ। तो अभी यहाँ से मैं वुड ले लेता हूँ एंड इसके जो आते जो है इसके प्लैंक्स बना लेता हूँ, तो उसको आधे करके ये जल्दी से प्लैंक्स भी बना लिए मैंने। एंड इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, अभी विलेजर क्यूब कर रहा है भाई, ये परेशान मत कर मेरे को। तो मैं यहाँ पर स्टिक्स बना रहा हूँ कोज मुझे जो है कैंप फायर बनाना, तो जल्दी से यहाँ पर सर्च करो कैंप फायर। हेलो ओके सो यहाँ पर देखते हैं कैंप फायर और ये आप ही जो है क्या बात है। एंड मैं सिर्फ 5 ही बना सकता हूँ ये नहीं। ओके तो जल्दी से मैं इसको ले लेता हूँ एंड अभी जो है हमें थोड़े से और भी स्टिक्स बनाना है ताकि मैं कैंप फायर बना सक जाऊँ। तो मैं काम करता हूँ इसमें से थोड़ा सा कोल निकाल लेता हूँ, बहुत सारे कैंप फायर बना लेता हूँ मैं पहले। ओके तो मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ एंड अभी जो है मुझे यहाँ पर कैंप फायर लगाना शुरू करना है। तो अब ये क्या हो गया, मुझे ये नहीं लगाना था, ये मैं डॉट फिर से लगा देता हूँ। मैं काम करूँ यहाँ पर, अबे हेलो ये क्या हो गया, ये मेरे को सब ऊपर रखना है, मैंने नीचे रख दिया। वैसे मैं काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जाके यहाँ पर ना इसका कैंप फायर जो वो बना लेता हूँ। अबे यार मुझे वो स्टिक्स बनानी पड़ेगी, अबे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे स्टिक्स बनानी पड़ेगी। तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से स्टिक्स एंड ये आपके कैंप फायर बन गए। एंड गाइस तुम लोगों ने एक बात नोटिस की, हम मैंने ये पानी में रखा और फिर उसको बाद तोड़ा,
तो मुझे दो चारकोल मिले, लेकिन मुझे बनाने में सिर्फ एक ही कोयला चाहिए था। तो इसका मतलब हम लोग इसका डुप्लीकेट चाइनीज माल भी बना सकते हैं। तो मैं पहले वही करने वाला हूँ, बहुत सारे यहाँ पर लगा देता हूँ एंड उसके बाद उसको तोड़ के फिर बहुत सारे कैंप फायर यहाँ पर बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है एंड अभी इन सबको मैं लगा के फिर तोड़ता हूँ। एंड ये चार तो मैंने लगा दिए, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे 8 चारकोल मिले, तो इसका मतलब मैं और भी 8 कैंप फायर बना सकता हूँ, जो कि बहुत ही मस्त है भाई। मुझे यह टिकटॉक एक बहुत ही मस्त वाला पसंद आ चुका है। एंड यहाँ पर लिखते हैं कैंप फायर, यहाँ पर जितने हो सकते हैं सारे बना लो। 15 कैंप फायर आ चुके हैं भाई, क्या बात है। तो अभी इसको रखेंगे एंड अभी मैं नहीं बनाने वाला हूँ एंड अब मैं लगाना शुरू कर देता हूँ। तो मैं पहले गिन लेता हूँ कहाँ से लगाना शुरू करूँ। तो मैं यहाँ से लगाना शुरू कर देता हूँ एंड क्या बात है, यहाँ पर ये क्या जल रहा है एकदम से, बीच पे मस्त लग रहा है, लेकिन मेरे को उसे बुझाना पड़ेगा। तो मैं अबे मेरे को मारा मत भाई, फायर मेरे को लग रही है। तो ये सब कुछ बुझ चुका है और ये जो है वो पुल बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड अभी जो है मैं इसके साइड में थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने घर से वो सब कुछ सामान ले करता हूँ, स्टोन और वो सब कुछ। तो यहाँ पर साइड में मैं ये वाले लॉक लगाना शुरू कर देता हूँ एंड ये जब मैं इसकी दूसरी साइड पे लगाना एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो है मैं अभी स्टोन तो नहीं लगाया, लेकिन ये वुड लेकर आया हूँ एंड इसको जो है हम लोग स्ट्रिप वाले वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि और भी मस्त लग रहा है। एंड अभी इसको भी जो है यहाँ पर दूसरी साइड में लगा देते हैं एंड अभी इसको भी जो मैं स्ट्रिप कर देता हूँ। एंड अभी मुझे वो स्टोन लेकर आने में एक साथ क्यों नहीं आता भाई, मैं मेरे को कितनी दौड़ा दौड़ी करनी पड़ती है। तो इस वाले डब्बे के अंदर हमारा स्टोन और ये सब कुछ जो है वो ऑलरेडी बना चुका है एंड तुम्हें पिछली वीडियो देखी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने ये सब कुछ बनाया था। एंड अभी मैं जाता हूँ फिर से अपने वहाँ पर बोट वाली जगह पर एंड सब कुछ डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी वॉल्स बनानी है एंड मेरे को और भी ज़्यादा स्टोन्स बनाने पड़ेंगे, आई थिंक इतने इनफ हो गए। तो मैं एक और वॉल बना लेता हूँ एंड मेरे पास 12 वॉल आ चुकी है, जो कि ठीक ही है। तो अब मैं यहाँ से लगाना शुरू कर देता हूँ। कहाँ पर गए, पहले फैंस लेता हूँ। तो मैं काम करता हूँ पे एक ऐसा दो रख देता हूँ चारों कोने के अंदर एंड देन मैं काम करता हूँ पहले ना इसके इसको ऐसा तीन रखता हूँ। अबे ये क्या हो गया भाई, लो इसको तोड़ दो। ओके, तो मैंने तोड़ लिया है एंड अभी जो है मुझे इसके ऊपर ये लगाना है, इसके ऊपर ये लगाना है, क्या बात है। देन सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। तो अब मैं यहाँ से ये वॉल लगाना शुरू कर देता हूँ एंड सेम चीज़ मुझे इस साइड में भी करनी है एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। तो मुझे यहाँ पर ये चिज़ल्ड वाले जो ब्लॉक स्टोन के ब्रिक्स है वो लगाना है। मैं समझ से तोड़ देता हूँ एंड जल्दी से ये वाले ब्लॉक भी लगा देता हूँ, क्या बात है। एंड अभी जो है क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं काम करता हूँ ये वाले ओक वाले लॉक्स ले लेता हूँ एंड मैं ना इनके ऊपर ये वाले ब्लॉक्स, अब यार मैं गिर गया। तो मैं फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है ये वाले ओक वाले लॉक्स लगाने वाला हूँ एंड यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पर जंप मार के ये इसके ऊपर भी एंड वहाँ पर भी लगाना है। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ एंड आई थिंक ये इतना ज़्यादा भी कूल नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है अभी तो रात होने वाली है तो सो के फिर आते हैं एंड इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं। ओए विलेजर तू क्या कर रहा है, मेरा बेटा हट, क्या बात है। इस कीबोर्ड स्पैमिंग मुझे बहुत ही मज़ा आता है। अबे किक्ड फॉर स्पैमिंग, हेलो मुझे मेरे वर्ल्ड से बाहर निकल दिया, हेलो मेरे को भाई, मैं ही तो इस वर्ल्ड का भाई, मैंने वर्ल्ड बनाया भाई, ये क्या है मेरे को, मतलब कि वर्ल्ड का मालिक कोई किक कर दिया भाई, ठीक है भाई इज्जत ही नहीं है कोई, गजब बेइज्जती है। तो मैं ये सारे फैंसिस जो है इन सबको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं और भी कुछ नया वाला आइडिया जो है वो कर रहा हूँ एंड इसको भी जो मैं तोड़ देता हूँ, मैं सारे तोड़ देता हूँ। मैं फैंस की जगह पर यहाँ पर ये ओक वाले लॉक लगा देता हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो और ये वॉल्स जुड़ भी चुकी है
एंड सबको मैं ये वाला स्ट्रिप भी कर देता हूँ, तो ये मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पर से एक बार देख लेता हूँ तो मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्राफ्टिंग टेबल में जाता हूँ एंड ये डार्क ओक वाले लेते हैं एंड इसकी जो है दोनों वुड की जो है बोट बना लेता हूँ मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं दोनों बोट्स को यहाँ पर पानी के अंदर रख देता हूँ एंड क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है मुझे तो ऐसा लगता है। एंड अभी जो मुझे बहुत सारे और भी काम करने हैं, मुझे जो इन चारों ब्लॉक के ऊपर ना टॉर्च लगानी है, तो मैंने चारों ब्लॉक्स के ऊपर लगा दी एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अभी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं मुझे खुद को भी नहीं पता, मैं कुछ तो कर रहा हूँ ऐसे। ये स्टोन लेता हूँ एंड क्या कर यहाँ पर लगा देता हूँ। नहीं अबे ये क्या हो गया, ओके नहीं यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये लगाने की ज़रूरत है, अगर कुछ और करना पड़ेगा तो मैं बाद में कर लूँगा। वैसे अभी के लिए तो एकदम से रेडी हो चुका है एंड आई थिंक ये तो भाई ये क्या बात है, पार्कोर के लिए भी मस्त है ये वाली जगह। आई थिंक गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मतलब आज ये वाला स्ट्रक्चर मुझे इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं आया लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है एंड हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया बस यही बनाया लेकिन ठीक है। सो या एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड अभी मैं जो है अपनी बोट, अबे ये क्या हो गया, मैं अपनी बोट में बैठ के जो है अपना आउट्रो करने वाला हूँ। सो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।